Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप की भिंडी, दही भिंडी, जिसमें टमाटर नहीं डाले जाते। अच्छा, वैसे मैंने एक दो टाइप की और मेरे चैनल पर अपलोड की है भिंडी कैसे बनाते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की है, कुरकुरे भिंडी है और भरवा भिंडी है, वो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन के दे, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए, ये है 400 ग्राम भिंडी। इसे मैंने धो के नितारने साइड पर रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। आप नितारना नहीं चाहते हैं तो इसे बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए किचन टॉवल की मदद से। मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे का इस तरीके से एजेस फेंक रही हूँ काट कर, और बड़ी है तो बीच में से दो टुकड़े करके हल्का सा स्लिट मार रही हूँ। अब छोटी हो तो सिर्फ ऊपर और नीचे का जो पोर्शंस है वो निकाल कर फेंक दीजिए और बस उसको थोड़ा सा स्लिट मार दीजिएगा अगर छोटी हो तो, और बड़ी हो तो उनके दो पीसेस करके उनको स्लिट मार लीजिए। हल्का हल्का स्लिट मारेंगे ना तो बीच में से भी वो थोड़ी पकने लगेगी। चलिए, ये सारे हो चुके हैं, मैं यहाँ साइड पर रख देती हूँ। एक कढ़ाई के अंदर 6-7 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और अच्छा गरम कर लीजिए। अच्छा गरम हो जाए तो हमारी भिंडी डाल दीजिए और इसे चूल्हा मीडियम करके इंटरवेल्स पे चलाते रहिएगा, बार बार भिंडी को मत चलाइएगा, और इसे तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए। या आपको वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कीजिए कि तब तक पकाएं जब तक इसकी जो चिकनास जो निकलती है वो निकलना बंद नहीं हो जाएगी, या तब तक पकाएं जब तक ना ये थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाती। जब तक ये कलर चेंज करेगी 6-7 मिनट भी हो जाएंगे और भिंडी का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी जो चिकनाहट निकलनी भी बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो गया ना यहाँ, और चिकनाहट निकलनी बंद हो गई, और 6-7 मिनट हो चुके हैं तो मैं इन्हें नितार कर साइड पर रख देती हूँ इस तरीके से। और अब वही सेम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा आप चाहें तो और तेल डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चाय का चम्मच साबुत जीरा और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तेल में तो इसमें डाल दीजिए 1 बड़ी साइज की छूंता प्याज और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए क्योंकि मैंने बंद कर दिया था। अब इसे बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती और कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाता। जब ऐसा हो तो 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसे भी बहुत अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चे फून की खुशबू ना चली जाए अदरक लहसुन के पेस्ट की। तब हो वैसा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, चूल्हा कर देती हूँ स्लो आंच। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैं कश्मीरी डाल रही हूँ, आप दूसरा यूज कर रहे हैं तो उसे कम डालिएगा। एक बार चला लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सूखा सूखा लग रहा है तो यहाँ थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा तेल और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें 1/4 कप जितना सबसे पहले तो पानी डाल दीजिए, नहीं तो ये नीचे ना चिटकने लगेगा, मसाला चिटक गया तो मज़ा ख़राब हो जाएगा हमारा। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया और इसे एक बार चला लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए 1/2 छोटी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर। इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब आप चाहें तो स्लो आंच करके ढक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता, या फिर मेरी तरह मैंने स्लो आंच पर खुला रखकर बिना ढका हुआ पकाया है, तब तक पका रही हूं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही है, खट्टी है, आप चाहे तो 3 टेबलस्पून जितनी ले सकते हैं। उसे फेंट कर साइड पर रख दीजिए। ये देखिए तेल अच्छा छूट चुका है और मसाला भून चुका है। चूल्हा मीडियम आंच कर ये हमारी जो सारी दही है वो डालकर कंटिन्यूस मिक्स कीजिए 1/2 मिनट तक। जब 1/2-1.5 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ये दही को भी भूनने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये दही भून नहीं जाती स्लो आंच पर। आप चाहें तो ढक कर भून सकते हैं इसे, मैंने खुले रख कर ही भूना है इसे। अब जब भून जाए, इस तरीके से तेल छूट जाए, मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 कप पानी। अब आप चाहें, आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं चाहिए तो 1/2 कप पानी डालें, बट मैं 1 कप डाल रही हूँ। इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए फास्ट आंच पर। अब जब उबाल आ जाता है तो हमने जो हमारी सारी भिंडी है फ्राई करी रखी हुई वो सारी डाल दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी मसाला या कुछ भी तेल लगा हो वो भी सारा डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट पकने दीजिए। हल्का मैंने नमक एडजस्ट किया है, आप भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। 10 मिनट दम पे पकने दीजिए।
10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए भिंडी पूरी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि उस समय तो 70% हो ही चुकी थी। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ उबाल, और मैंने कुछ देर बाद इसे वापस गर्म पे रखा है, और इसका मैं अब चूल्हा करती हूँ फिर से बंद, और इसे गर्मा गर्म प्लेट में निकालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई ना कुछ समय के बाद मैंने इसे गर्म किया, तो इसी तरीके से हो जाएगी। अगर आप उसी समय सर्व कर रहे हैं तो पानी अपने हिसाब से डालिएगा, आधा कप या पौना कप, या फिर आप मेरी तरह थोड़ी देर के बाद सर्व करना चाहते हैं तो 1 कप जितना पानी डालिएगा। आप पानी अपने हिसाब से देख लीजिए और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, आने के हरा धनिया, और ये बन गई हमारी लज्जतदार मजेदार लजीज दही भिंडी। एकदम मजेदार लगती है, जरूर बनाइएगा। अच्छा, इसमें लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वाले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए अगर आप बनाए तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।